वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेन पांडे। आज आप लोगों के लिए यह इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि यदि आपकी एलएलबी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप कॉलेज में हो, अपनी 5 ईयर या 3 ईयर एलएलबी का कोर्स कर रहे हो और आप चाहते हो कि साथ साथ में हम जुडिशरी की भी तैयारी करें, तो क्या यह दोनों एक साथ करना संभव है? क्या यह आप कर सकते हो? आपके लिए यह बेनिफिट होगा? तो इसी पर आज चर्चा की जाएगी। यदि आप, चूंकि लॉ की पढ़ाई आप जो अपने एकेडमिक के दौरान 5 ईयर या 3 ईयर के कोर्स में कर रहे होते हो, वही सिलेबस आपके जुडिशरी के भी एग्जाम में होता है। हर स्टेट का सिलेबस अलग होता है, लेकिन वह सारे सिलेबस होते हैं जो आपने अपने एलएलबी के दौरान 5 ईयर कोर्स के दौरान आपने पढ़ी है। तो आप अगर एलएलबी में एडमिशन ले लेते हैं, आपका 1 या 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होता है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशरी की तैयारी के लिए। इसका फायदा यह होगा कि आपका समय बचेगा और जो जुडिशरी की कोचिंग आप करोगे उसमें आपका एक अलग से अप्रोच डेवलप किया जाता है। कैसे हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, कैसे हम मेंस के आंसर राइटिंग को करते हैं, इसको आप कोचिंग के दौरान अच्छे से तैयार कर लेते हो और इसका फायदा आपके एकेडमिक के भी एग्जाम में दिखता है, क्योंकि आप उस फॉर्मेट से, जो फॉर्मेट आपको कोचिंग में बताया गया है, उसी फॉर्मेट से आप अपने एकेडमिक में लिखते हो, जिससे कि आपका अच्छा नंबर आता है, आपका सब्जेक्ट पे क्लियरेंस अच्छा रहता है, सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी रहती है। तो इसका फायदा आपको आपके कॉलेज के एग्जाम में मिलता है। और दूसरी चीज, जैसे ही आपकी एलएलबी कंप्लीट होती है, वैसे ही और इधर आपका कोचिंग भी कंप्लीट साथ साथ चलता है, होती है, वैसे ही आप अपने को अच्छे से तैयार कर लेते हो जुडिशरी के एग्जाम में बैठने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए और मेंस का एग्जाम देने के लिए आप प्रिपेयर रहते हो, क्योंकि आप अपने कोचिंग के दौरान उन सारे चीजों पर अभ्यास कर लिए रहते हो जो एग्जाम में, खासकर जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा और आप जो एलएलबी या 5 ईयर या 3 ईयर का कोर्स करने के बाद अगर सोच रहे हो कि हम किसी जुडिशरी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, तो इसका नुकसान यह हो सकता है कि आपका समय कुछ ज्यादा लग सकता है, क्योंकि 5 साल एलएलबी कंप्लीट करो और 3 ईयर में हो तो 3 ईयर की एलएलबी कंप्लीट करो, उसके बाद अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो फिर जो फायदा आपको दोनों के साथ एक साथ करने को मिलता, वह फायदा आपके जुडिशरी के एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इसलिए आपके लिए यह अच्छा रहेगा कि आप दोनों, चूंकि दोनों एक ही फील्ड के हैं, एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन कोचिंग में कॉलेज से थोड़ा सा एक अलग अप्रोच रहता है। यहां फोकस रहता है कि आपका जुडिशरी कैसे क्रेक हो और कॉलेज में यह फोकस रहता है कि आप अच्छे नंबर कैसे पाएं और आपको एग्जाम में उतने अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता जितने अच्छे से कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए आप कॉलेज के साथ साथ कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फायदा आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए और अपने कॉलेज में अच्छे नंबर पाने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।